हमारे पास कुछ डिफरेंट रूट्स हैं जिसके जरिए हम यूके में आ सकते हैं। उनमें हमारे पास पहले नंबर पे विजिटर वीजा आ जाता है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टडी वीजा या फिर स्टूडेंट वीजा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्क वीजा। तो अगर आप अपने मुल्क से बाहर स्टडी करना चाहते हैं यूके के अंदर, तो वो होता है स्टूडेंट वीजा। उसके लिए आपको ये कुछ इस तरह की यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और व्हाट्सअप गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इनटू अनदर वीडियो। तो ये आपका भाई इतने अरसे बाद मुंह उठा के दोबारा यूट्यूब पे हाजिर हो गया, लेकिन हर दफा की तरह लास्ट वीडियो में भी आपके भाई ने वादा किया था, आप लोगों के साथ कि अब आपका भाई कंसिस्टेंट रहेगा, जो कि मैं फिर नहीं रहा। लेकिन इसलिए अब आपका भाई आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ रहा है कि मैंने सोचा कि यार चलो अपनी गलती का थोड़ा सा मतलब कुछ क्या कहते हैं उसे अजाला या जो भी कहते हैं, तो अपनी गलती सुधारने का छोटा सा आपका भाई आप लोगों के लिए गिफ्ट लेके आया, कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया। होप आप लोगों को ये पसंद आएगी। तो मेरी तरह हर बच्चे को जो पाकिस्तान में है उसको शौक होता है कि यार वो बाहर जाए, बाहर की लाइफ को डिस्कवर करे, तो वो शौक अलग बात है यहाँ पे आके उतर जाता है। लेकिन हम आज की वीडियो में आप लोगों को ये बताएंगे कि यूके के क्या क्या रूट्स हैं और आप किस किस जरिए से यूके आ सकते हैं। तो आज ये सस्ता दूरव राठी आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेगा, होप आप लोगों को पसंद आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी, यूके आने के कुछ रूट्स हैं, और आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि जो यूके का इमिग्रेशन प्रोसेस है ये वन ऑफ द टफेस्ट प्रोसेस है, क्योंकि इनका रूट बहुत गंदा है इमिग्रेशन का। ये आपको चंद वेज देते हैं यूके में आने के, और उनमें भी काफी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह और सोई मसले होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ कि कितने वेज हैं। तो हमारे पास कुछ डिफरेंट रूट्स हैं जिसके जरिए हम यूके में आ सकते हैं। उनमें हमारे पास पहले नंबर पे विजिटर वीजा आ जाता है, जिसको हम विजिट वीजा भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टडी वीजा या फिर स्टूडेंट वीजा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्क वीजा, जिसपे आपका भाई भी आया हुआ यूके में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फैमिली वीजा, सेटलमेंट वीजा, और कुछ अलग से स्पेशल वीजेज हैं जिनके हम आगे जाके इंशाल्लाह बात करेंगे। बाय द वे, ये वीजेज ये कोई नया लफ्ज आपके भाई ने याद किया, लेकिन कोई नहीं, खैर ओके। और यार सॉरी यार, ये लुक भाई की ना इग्नोर करना, बस यार टाइम नहीं मिलता आपको पता है कि करने का। तो करूंगा मैं, सेट वगैरह करवाऊंगा, बाल तो आपको पता लंबे कर रहा हूँ, तो बाल भी थोड़ा बहुत सेट करवाएंगे, दाढ़ी शाड़ी भी सेट करवाएंगे। लेकिन यार बहुत ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ मैं यार, वीडियो हमारी कोई और है, ध्यान दो हसन, ध्यान दो। तो पहले हम बात करते हैं विजिटर वीजा यानी विजिट वीजा की। तो ये विजिट वीजा होता है, ये अप टू 6 मंथ्स का होता है। ये छोटा सा एक वीजा मतलब होता है, ताकि अगर आपने कुछ घूमना है किसी कंट्री, यूके वगैरह अगर आप घूमने आ रहे हैं, आपकी कोई बिजनेस मीटिंग है, या फिर आपने वैसे ही कुछ छोटे शॉर्ट टाइम के लिए आना है, यहाँ पे आपके पास राइट टू लिव इन यूके होता है शॉर्ट अरसे तक, मतलब 6 महीने के लिए। अगर आपने उससे ज्यादा करना है कुछ स्पेशल केसेस में आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन वैसे आपको बेसिक 6 महीनों का वो मिलता है, जिसमें आप काम नहीं कर सकते, आपके पास राइट टू वर्क नहीं होता, आपने बस विजिट के लिए मतलब आना होता है। नाम भी बता रहे कि एक विजिट वीजा है। तो उसको अप्लाई करने के लिए कोई नहीं, आपको बस बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह को शो करनी पड़ती हैं, और वो इसलिए शो करनी पड़ती हैं कि आपने दिखाना होता है कि आपके पास सफिशियंट फंड्स मौजूद हैं जो कि आप यूके आने के बाद यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक बहुत ज्यादा फेमस वीजा कैटेगरी आ जाती है, जो कि है स्टडी वीजा यानी कि स्टूडेंट वीजा। तो अगर आप अपने मुल्क से बाहर स्टडी करना चाहते हैं यूके के अंदर, तो वो होता है स्टूडेंट वीजा। उसके लिए आपको यहाँ पे यूके की, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पाकिस्तान में भी आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल मैट्रिक आपने पास किया। मैट्रिक का थोड़ा सा आई थिंक मुश्किल होता है, लेकिन बेसिक जो ज्यादातर लोग करते हैं वो ये करते हैं कि इंटर यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कॉलेज करके उसके बाद यूके आने का सोचते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अगर आप मेरे जैसे नहीं, आप थोड़े पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और आपके नंबर अच्छे आते हैं, तो आपने ढूंढनी है यूनिवर्सिटीज यूके में। कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज भी हैं यूके में, जैसे कि का तो आपको ही पता होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड जो ऑक्सफर्ड की यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, टेरियल कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनब्रो, ये कुछ इस तरह की यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने में कामयाब हो जाते हैं, फिर आप आगे अप्लाई करते हैं अपने स्टूडेंट वीजा के लिए। तो उसमें भी कुछ कैटेगरी होती है, जैसे शॉर्ट टर्म स्टडी वीजा, ये भी 6 महीने के लिए होता है। लाइक आपने अगर कोई इंग्लिश वगैरह का कोर्स करना है या छोटा मोटा कोर्स करना है, तो उसके लिए आपको ये मिलता है। उसके बाद मेन आता है आपका स्टूडेंट वीजा टियर 4, तो ये होता है 6 मंथ से ज्यादा के लिए। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सब फर्स्ट ऑफ ऑल होता है एक CAS लेटर, जो कि होता है आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है अगर आपका एडमिशन उसमें हो जाता है।
और दूसरे नंबर पे होता है कि आपको अपनी वही बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है, आपको ये शो करना होता है कि आपके पास सफिशियंट फंड मौजूद है कि आप अपने खर्चे यहाँ पे आके उठा सकते हैं। उसके बाद दी फेमस जिसका आपको पता है आइल्स, आइल्स का कोर्स करना पड़ता है जिसमें आपको लेने पड़ते हैं आई गेस 6 or 6.5 बैंड स्टूडेंट वीजा के लिए, उसके बाद आप फिर स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद एक और बहुत ज्यादा फेमस वीजा कैटेगरी जो कि है वर्क वीजा। इसमें बेसिक ये होता है कि आपको कोई यूके में कंपनी स्पॉन्सरशिप, फॉर एग्जांपल मेरी की अगर कंपनी है यूके के अंदर तो मुझे अपनी कंपनी के लिए कोई इम्प्लॉई चाहिए, तो इसकी एक लिस्ट होती है जिसके अंदर स्पेसिफिक रोल वाले बंदे होते हैं जो कि मतलब हाईली स्किल्ड होते हैं, तो उनको फिर कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है कि आप आए और हमारे पास काम करें। तो इसमें डिफरेंट होते हैं, जिस तरह मैकेनिक हो गया, इसमें फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियर हो गया, या फिर इस तरह के शेफ्स वगैरह हो गए। तो इस तरह के ये वीजाज होते हैं जिनको फिर कंपनी अपनी स्पॉन्सर करती है और फिर ये बंदे जाते हैं यूके इस बेस के ऊपर। तो जी इसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो होता है आपका COS कॉज लेटर जो कि आपको कंपनी की तरफ से होता है, होता है स्पॉन्सरशिप का लेटर जो आपको कंपनी देती है, अप्लाई करती है यहाँ से, फिर अगर वो आपका लेटर निकलता है तो फिर आगे आपके वीजे की तरफ जाते हैं। तो इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ये होती हैं कि आपका जो थ्रेशहोल्ड है मतलब जो आपकी सैलरी है वो मिनिमम मीट करनी चाहिए यूके की जो वेजेस होती हैं उनके लिहाज से, मतलब जो मिनिमम अभी की चल रही है वो 38,000 समथिंग होती है। तो वो क्या नाम है, उस अगर आपका वो क्राइटेरिया मीट करता है तो तब आपको ये वीजा आपका लग सकता है। उसके बाद होता है आइल्स, ऑब्वियसली आइल्स में वर्क वीजा का ये होता है, इसमें मिनिमम बैंड्स होते हैं 5.5 बैंड्स आपने लेने होते हैं। और इसकी एक और बड़ी ही मेन पॉइंट मैं आपको करता जाऊं, इस वीजे में जो स्किल्ड वर्कर वीजा है इसमें आपके साथ एक चीज बन जाती है, वो है टैक्स, आपको टैक्स पे करना होता है, और वो टैक्स होता है राउंड अबाउट 900 एंड समथिंग जो कि मिनिमम थ्रेशोल्ड के लिहाज से, मतलब अगर 38,000 समथिंग आपकी सैलरी क्योंकि मिनिमम वही होती है तो उस लिहाज से आपको 900 समथिंग का टैक्स पे करना होता है हर महीने, और जितनी ज्यादा आपकी सैलरी होती है वो 1% होती है, तो उस लिहाज से आपको उतना ही टैक्स हर महीने फिर पे करना पड़ता है। इसी वीजे में कोर कैटेगरी आ जाती है आपके पास हेल्थ केयर की, जिसमें मतलब आपने अगर किसी हेल्थ केयर या NHS जिस तरह यहाँ का जो हेल्थ केयर सेंटर है उसकी रिलेटेड कोई जॉब है तो आपको उस रिलेटेड भी आपको एक वर्क परमिट मिल सकता है। अब अगर मैं रिस्ट्रिक्शंस की कुछ बात करता जाऊं तो स्टूडेंट वीजा में आपके पास सिर्फ होते हैं 20 hours जिसमें आपने काम कर सकते हैं किसी मतलब अपनी फीसिस वगैरह या जो भी आपने अपना खर्चा वगैरह चलाना है, तो आपके पास सिर्फ 20 hours पर वीक का टाइम लिमिट होता है जिसमें मतलब आप सिर्फ काम कर सकते हैं और पैसे वगैरह अर्न कर सकते हैं। अगर वर्क परमिट की बात की जाए तो इस पे आपको काम करने की इजाजत नॉट एट ऑल, आपको मतलब काम करने की वैसे इस पे इजाजत नहीं होती, इस पे होती है रिस्ट्रिक्शंस वगैरह। तो बेसिक इस पे भी 20 hours की शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट है जिसमें, क्योंकि इसमें बेसिक आपको 2 दिन की छुट्टी मिलती है मतलब जो हमने शो किया होता है, अब वो 2 दिन चाहें तो आप अपनी कंपनी में भी काम कर सकते हैं जिसका आपको वीजा मिला हुआ है। 20 hours कुछ शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट है, कुछ फील्ड ऐसी जिसमें आप वो 20 hours कर सकते हैं अपनी मेन जॉब के 40 hours पूरे करने के बाद, ये लाजमी ध्यान में रखना। तो जो इसकी होती है लेंथ वो होती है 1 साल, 3 साल या 5 साल। तो इसके अगर खर्चे की हम बात करते जाएं तो इसमें मेन जो खर्चा होता है वो आपकी IHS होती है, जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है, वो आज के रेट के मुताबिक 1 साल की £1,035 है। तो अगर आपने 1 साल का लगाना है तो £1,035 ही ऑब्वियसली होगी, और अगर आपने 3 साल का लगाना है या 5 साल का जो मैक्सिमम होता है तो उसको मल्टीप्लाई कर लें, तो 5 साल का जब आपका वीजा लग जाता है उसके बाद आपने 5 साल गुजारने हैं, टैक्सेस वगैरह पे करने हैं, आपको क्रिमिनल चार्जेस वगैरह नहीं होने चाहिए, उसके बाद आपको मिल जाता है ILR। वो ILR ये होता है कि आप यहाँ पे परमानेंट स्टे कर सकते हैं और उसमें आपके पास कंप्लीट राइट टू लिव और राइट टू वर्क होता है, और ILR में 1 साल आप गुजारने के बाद फिर आपको मिल जाता है ब्रिटिश पासपोर्ट। तो ये कुछ वीजा से हो, आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, बहुत ज्ञान बहुत आपका भाई, यकीन जाने इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके भाई ने बनाई है, मुझे खुद नहीं समझ आ रही है, मुझे ना थोड़ी सी चबले मारने की जरूरत है, तो नेक्स्ट वीडियो थोड़ी सी फनी आ जाएगी इंशाल्लाह। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हुई तो यार लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि आपको इससे रिलेटेड और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको मेरा यूके में एक्सपीरियंस जानना है कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पे इस कंट्री में आने के बाद तो वो भी मुझे बताना है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी बता देंगे। तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं कंसिस्टेंट रहूं यार इस दफा, क्या क्या बोला तू चल, तो नहीं अब मैं वाकई जेन्युइन कोशिश करूंगा कि मैं इंशाल्लाह कंसिस्टेंट रहूं। तो आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, और बताया करें कमेंट्स में आपको जिस तरह की भी वीडियो चाहिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।